सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो भाई सुबह हम सारे मंदिरों में दर्शन कराए थे, तो और उसके बाद हमने फिर आके रेस्ट किया था अपने होटल में, और अब भाई नहा के दोबारा रेडी हो गए हैं। अब जा रहे हैं भाई हम दोबारा से प्रेम मंदिर, और आपको जाके दिखाते हैं प्रेम मंदिर का रात का व्यू। भाई दिन में तो प्रेम मंदिर लगता ही बहुत खूबसूरत है, रात में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब जाके काफ़ी ज़्यादा, दिन में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी रात में भीड़ लगी हुई है। भाई साहब जो भी लोग रात में पहुँचे थे ना, मतलब शाम तक पहुँचे थे, लेट हो गए थे आने में, उनकी डबल भीड़ हो गई है अब। और अब जाके देखते हैं। देखो भाई ये होटल से थोड़ी दूर निकलते ही ये हाल मचा हुआ है शाम को, तो भाई इतनी भीड़ हो गई है, इतनी भीड़ हो गई है, पैदल जाने का भी रास्ता नहीं है। उसमें लोग बाग ये गाड़ियाँ स्कूटियाँ रिक्शा निकाल रहे हैं, आधी से ज़्यादा जगह ये रिक्शा वालों ने घेरी हुई है। देखो भाई यहाँ पे कितनी भीड़ है, कितने लोग निकल रहे हैं और कितने लोग अंदर जा रहे हैं पता ही नहीं लग रहा, इतनी भीड़ है। ऐसा लग रहा है कि सब एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, मगर खड़े नहीं हुए, सभी चल रहे हैं जैसे आप देख रहे हो। ये एंट्री हो चुकी है प्रेम मंदिर के अंदर, और भाई भीड़ आप देख ही सकते हो, एंट्री गेट से ही इतनी भीड़ लगी हुई है। ये सभी लोग फोन निकाल के अपनी वीडियो बना रहे हैं, कोई लोग फोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। मंदिर के एंट्री पे ही इतनी भीड़ है, और एयरपास मिल चुका है यहाँ पे। ये मंदिर के परिसर में घूमते हैं, फिर जाएंगे मंदिर के अंदर। वैसे मंदिर के अंदर वीडियो अलाउड है नहीं बनाना, हम सुबह भी गए थे। तो भाई प्रेम मंदिर के अंदर तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अब जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल की तरफ, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा दृश्य था, अभी हम आते हुए देख के आ रहे हैं भाई, काफ़ी अच्छा नाच गाना चल रहा है वहाँ पे। तो लो भाई फाइनली इस्कॉन टेम्पल भी दोबारा से पहुँच ही चुके हैं, और यहाँ से एंट्री के लिए जा रहे हैं अंदर। और आपको आवाज़ आ ही रही होगी अंदर, राधे 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 राधे। Next day.
तो भैया फिर से सुबह आज होली खेल के आ चुके हैं और मंदिर में दर्शन भी करे हैं श्री बाके बिहारी जी के, और राधा वल्लभ मंदिर में काफ़ी अच्छे से आज होली फिर से मनाई हमने। तो हम तो वापस आ गए हैं होली खेल के, तो भाई अब नहा लेते हैं जल्दी से और फिर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। अब मिलते हैं सीधा नहा के। हाँ तो भाई नहा के तैयार हो चुके हैं, अब थोड़ी देर में यहाँ से चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। वैसे शायद से हम आगरा जा रहे हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बाहर निकल के वृंदावन से देखते हैं कि घर की तरफ जाया जाए या आगरा। जहाँ तक है कि आगरा जाएंगे, आगरा में ताजमहल घूमेंगे और फिर वहाँ से अपना घर की तरफ वापसी करेंगे। तो अब सीधा मिलते हैं भाई बाइक पे। तो भाई फाइनली निकल चुके हैं अपने होटल से, अब जा रहे हैं आगरा ताजमहल की तरफ। भैया जाने तो दो, रास्ता ही नहीं छोड़ रखा बिल्कुल भी, भीड़ ही इतनी हो रही है। वो तो ये है कि हम सुबह सुबह दर्शन कर आए, सही है। जो लोग इस टाइम आ रहे हैं और जो लोग शाम को पहुंचेंगे, शाम को तो यहाँ वो आज और भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, कल से भी ज़्यादा। तो बाइक पे चलो तो हम तो आराम से निकल जाएंगे, जो लोग गाड़ी में आ रहे होंगे उनको कितनी दिक्कत होगी। हाईवे तो वैसे खाली है, मगर मथुरा वृंदावन के अंदर यहाँ पे आने के लिए अगर बाइक हो आपके पास तो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है गाड़ी से, अगर आप दो ही जने आ रहे हो और फुल फैमिली आ रहे हो तो गाड़ी सबसे बेस्ट है। तो भाई अब फाइनली वृंदावन के धाम में से बाहर की तरफ निकलने वाले हैं हाईवे की तरफ। लेफ्ट लेते ही हम आगरा की तरफ जाने लग जाएंगे, राइट में है दिल्ली और लेफ्ट में है आगरा। तो हम पहले आगरा जाएंगे फिर आगरा से दिल्ली की तरफ जाएंगे। सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, अगर मज़ा आ रहा है तो भाई एक वीडियो को लाइक देना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि भाई हम आगे भी ऐसे ही ट्रिप करते रहें और आपको दिखाते रहें। हमारे लेफ्ट में दिख गया हमें ताजमहल, आपको शायद दिख रहा हो, पता नहीं दिख रहा हो गोप्रो में या नहीं दिख रहा, मगर हमें तो दिख गया है भाई। तो बाहर से गेट तो खुला ही होगा, गेट तो देख लेंगे, गेट भी बंद है।